हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी, जो है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हम ब्रेस्ट स्ट्रोक की। कुछ ट्रिप्स मैं बता दूंगा, आज में लेग्स मूवमेंट रहेगी, थोड़ी बहुत हैंड मूवमेंट बता दूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपकी कोई कमी नहीं दूर होती है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और उसके ऊपर आप अपनी हल्की सी क्लिप बना के डाल दे रहे हैं कि हमें ये इशू हो रहा है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम देख के आपको बता सकूँ। ठीक है, और ग्रुप में फालतू का कोई भी मैसेज मत डालना। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं हम ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट स्ट्रोक डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आपका हाथ यहाँ से नीचे जाता है। मतलब कि हम ब्रेस्ट में ऐसे चलाते ना, अगर यहाँ से, अगर आप सपोज करो आप लेटे हुए ब्रेस्ट में, यहाँ से वापस लेके जाना होता है। मतलब कि चेस्ट से ऊपर ऊपर आपने वापस लेके जाना होता है, हाथ ऐसे करके वापस लेके जाना है। फिर ब्रेस्ट में ऐसे नीचे मार के फिर ऊपर लेके जाते, फिर नीचे। मतलब कि आपका ब्रेस्ट से नीचे चला जाता है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो करना क्या है, ये ऐसे ले आके ऐसे, मतलब कि हार्ड शेप बनानी है अपने हार्ट। पहले सीधा हाथ लेके फिर ऐसे ओपन किया, फिर वापस, फिर ये चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसमें ये चीज़ रखना कि जब आपने इधर खींचना तो हाथ ऐसे लेके आने हैं, और शोल्डर जितने शोल्डर है इतने ऊपर करोगे, जब आप प्रोफेशनली रहोगे। मतलब कि इतने कई होते हैं ना, ऐसे पूरा खींच के लेके आते हैं, ऐसे पूरा खींच के लेके इतना ऐसे। ठीक है, इतना खींच के लेके आना। दूसरी बात कि जब आप ब्रेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो लेग मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेग्स मूवमेंट एक ऐसे मारता है, वो चीज़ नहीं मानी। तो चलो आप पानी में चलते हैं, पानी में आपको सारा कुछ दिखाते हैं कि ब्रेस्ट कैसे करनी है। हैंड मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं पानी में ये बता भी दूंगा, तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं हैंड मूवमेंट बता देना चाहूँगा कि हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है। आप बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी कर सकते हो, क्योंकि बैंड हो जाना आपने। ठीक है, हाथ सीधे लेके आने, इसको चेस्ट के पास ऐसे लेके आना है, ये चेक कर सकते हो। इसको ऐसे ज़्यादा नहीं खोलना है, ठीक है, इसको ऐसे ही लेके आना है। ठीक है, खड़ा होकर छूट ले। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लेग्स मूवमेंट बता देता हूँ पानी में, एक बार पूरी ब्रश करके दिखा देता हूँ कैसे करनी है। खड़ा होकर छूट लीजिए, हल्का सा दीवार के साथ पुश लेना है, और ब्रेस्ट में एक डोर फिल की किक मार सकते हो। देखो तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट स्ट्रोक में आप एक डोलफिल की किक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपकी ब्रेस्ट की किक चलती है। ब्रेस्ट में अगर आपके पैर बाहर आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिस्क्वालीफाई तभी होगे जब बहुत ज़्यादा आप बाहर पैर चलाओगे, अगर हल्के फुल्के बाहर आते वो काउंट में नहीं आते। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात कि ब्रेस्ट स्ट्रोक में आप फ्री की किक चलाओगे, ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप डोलफिल ज़्यादा कर दोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर जो स्ट्रोक के थोड़े मोटे छोटे मैच कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ब्रेस्ट स्ट्रोक होती है उसकी दो तरह की टेक्निक्स होती है, जिसमें एक लेग नी ज्वाइंट रहते हैं और नी कम खुलते हैं, मतलब कि, और एक में नी बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ साथ में, अभी आप चेक कर सकते हो कि जैसे कि मैं करता हूँ तो उसमें नीज कम खुलते हैं, और मुझे अभी इसी चीज़ की आदत पड़ी है। और ये नी स्ट्रोक में आता है। प्राणी स्ट्रोक में क्या होता है कि लेग्स ज़्यादा खुलती है, उसका मतलब कि कोई ये नहीं कि साइड इफेक्ट है या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होता, स्पीड से फर्क पड़ता है। ये तो जो नॉर्मल नी ज्वाइंट करके चलते हैं वो है। तो अब आपको दिखा देता हूँ थोड़ा नी ओपन होकर ये कैसे चलते हैं, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और वाकई डिस्क्वालीफाई की क्या है वो मैं आपको आगे बता ही दूंगा, और वीडियो एंड तक देखें। मैं यही चीज़ आपको स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा, स्लो मोशन में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कोई मतलब ये टेक्निक रहती है। और ब्रश में एक चीज़ याद रखना कि अगर आप दोनों हाथ टच नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो, आप बाहर निकल जाओगे। अगर आप एक हाथ टच करते हो रेस में, ठीक है, दोनों साइड दोनों हाथ टच कर रहे होते हैं, और जब स्टार्ट लेनी है तो आपकी जो किक है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, किक बाहर आ गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो। और अगर आपने ब्रश के अलावा किसी और चीज़ की किक कर दी तो भी डिस्क्वालीफाई हो। तो हैंड मूवमेंट है जो सीधा करके ये चीज़, ठीक है। अब किक मूवमेंट की बताएंगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जब आप इसमें करते हो ना, ये तो मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही करोगे। मैं इसमें एक चीज़ नहीं ऐड की, क्योंकि अगर आप वो चीज़ ऐड करते तो आप उसके ऊपर आपका फोकस चला जाए। जब हमारा ब्रेस्ट स्ट्रोक खींचते हैं तो ये तो मैं नॉर्मल ऐसे बीच में जा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, ब्रेस्ट खींचने के बाद आपने वेव लेनी होती है, मतलब कि ऐसे करके ऐसे वेव लेनी होती है, ये चीज़, ठीक है। पर जब आप स्विमिंग सीख जाओगे उसके बाद, ये मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के डाल दूंगा, पर मैं पानी में एक बार करके दिखा दूंगा कैसे करनी है। तो चलो अब मैं आपको थोड़ी सी लेग्स मूवमेंट बता देता हूँ, हैंड मूवमेंट आपको बता दी, तो चलो लेग्स मूवमेंट बताता हूँ। तो फ्रेंड्स क्या करना है, लेग्स मूवमेंट क्या करनी है, मैं एक बार लेट के दिखा देता हूँ कि आपने कैसे करनी है। ये आप लेट के, ठीक है, हाथ सामने है, लेग्स ऐसे फोल्ड करनी है, ठीक है, ओपन करनी है और किक करना है, ठीक है, फिर ज्वाइंट, ठीक है, किक किक किक। जब किक करनी है तो पैर ऐसे कर लेने हैं, इनको ऐसे नहीं रखना है, ठीक। फिर जब ज्वाइंट हो जाएगा तो सीधा कर लेने हैं, ठीक है। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, टेंशन लेनी, बाकी हैंड प्रैक्टिस के ऊपर भी बनाऊंगा। तो क्या करना है कि जो नई टेक्निक है उसमें तो ऐसे चलती हैं, ठीक है, जैसे मैं अब चला रहा था, ठीक है,
जो पुरानी टेक्निक है उसमें लेग्स मूवमेंट ऐसे भी चलती है, क्योंकि ये इतने ओपन हो जाती है। जो अपने नीज है ना, ये नई टेक्निक में ऐसे चलते हैं, पर नई में ये ऐसे ओपन होकर भी चल जाते हैं। इसका डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, डिस्क्वालीफाई तब होगे जब आप लाइन बांधी होगी तो दूसरी लाइन में आपकी टांग या कुछ चला जाएगा, प्लेयर को डिस्टर्ब कर देगा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अदरवाइज नहीं, अगर आप दूसरी लाइन में जाते तो होता। तो चलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ब्रश दिखा देता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो चलो ब्रश दिखाओ। ब्रश को करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, स्लो स्लो करना है। मतलब कि स्लो का मतलब ये नहीं है, स्लो करना है। स्लो का मतलब ये है कि आप एक चीज़ सीखो ना अच्छे से, दूसरी चीज़ पे चले जाओ। पहले एक चीज़ कंप्लीट करना, लेग्स मूवमेंट कंप्लीट करना है, उसके बाद हैंड मूवमेंट कंप्लीट करना, उसके बाद मतलब कि ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, जल्दबाजी मत करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है, अब जो प्रोफेशनली करते हैं, मतलब कि वेव लेके पूरी हैंड पूरी वेव लेके मारते हैं, वो वाला करके दिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करें। तो इसलिए होता क्या है कि आपने बाहर आके सांस लेके वेव मार के अंदर जाना होता है, ये होता है। अब लेग मूवमेंट की और बैक फ्लोटिंग में किकिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो हाथ नीचे रखने हैं, ठीक है। आप हाथों को चला भी सकते हो, ये सिर्फ लेग्स की प्रैक्टिस है, ये ओनली लेग्स की प्रैक्टिस है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप हाथ ऊपर कर लो तो और बढ़िया है, देखो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बैक फ्लोटिंग आती है, ठीक है, बैक फ्लोटिंग इतनी मुश्किल है, बहुत आसान है। तो चलो वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ फ्रंट से भी दिखा देता हूँ, ब्रेस्ट स्ट्रोक्स फ्रंट से देख सकते हो आप, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये बिगिनर्स के लिए सही है, अगर आज ऐसे बेब लोगे हो प्रोफेशनल ले लीजिए। जैसे मैंने बीच में लेके दिखाई, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फ्रंट से देख लिया, अब आप बैक में से देख लो फुटवर्किंग कैसे चलती है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब कि ये नहीं रहता कि आप पैर ज्वाइंट करके कर रहे हो या लेग्स ज़्यादा ओपन करके कर रहे हो। जो स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ ब्रेस्ट स्ट्रोक सैड मूवमेंट से, मतलब कि आप सैड में देख चेक कर सकते हो, फ्रंट में बैक में और सैड में मैंने दिखा दिया। अब ये आप आराम से चेक कर सकते हो कि आराम से अपने हाथ मारने, ज़्यादा हाथ खोलने की बहुत ओवर आप खोलने की जरूरत नहीं है, आप आराम से किक कर सकते हो। किक ऐसे करनी है जैसे फ्रॉग करते हैं, फ्रॉग स्टाइल करना है, मतलब कि एक किस्म का, और यही अंडर वाटर में भी काम आती है, ठीक है। अगर आपने अंडर वाटर में करना है तो अंडर वाटर में ये और खुल के वापस आप मार सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं दिखाऊंगा ब्रेस्ट स्ट्रोक बिल्कुल स्लो मोशन में, ठीक है। ये आपने पूछ लिया, उसके बाद आप डॉल फिल कर सकते हो एक किक बस, उसके बाद आप इसको नीचे तक एक बार हाथ लेके जा सकते हो, उसके बाद अंदर से ये आपको ये ब्रेस्ट तक लेके जाने पड़ेंगे। उसके बाद आप ब्रेस्ट को हाथ मूवमेंट जो है ना आपके, वो चेस्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए, चेस्ट से नीचे जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये चेक कर सकते हो कि चेस्ट से नीचे नहीं जाएगी, ये सेम टू सेम ऐसे ही चलेगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि मैं हल्की सी वेव लेके, ठीक है, फिर जैसे ही मेरे फेस अंदर जाते हो मैं किक कर रहा हूँ। किक में एक चीज़ ध्यान रखना है कि चेस्ट के पास आपके नीज नहीं जाने चाहिए, चेस्ट के पास नहीं जाएगी तो आपकी बॉडी आगे नहीं जाएगी। बाकी इसके ऊपर ना मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक मैंने इसमें ये कवर कर दिया था, जो आप जल्दी जल्दी ब्रेस्ट स्ट्रोक सीख जाओ। ब्रेस्ट स्ट्रोक के साथ आपको अंडर वाटर भी बड़ी आसानी हो जाएगी सीखने में, अगर आप ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हो। और ब्रेस्ट स्ट्रोक एक ऐसा इकलौता स्ट्रोक है जिसमें बहुत कम पावर लगती है और बहुत जल्दी आसानी से सीखा जा सकता है, और इसकी किक आपको अंडर वाटर में मिलेगी, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हो स्लो मोशन में, आप एकदम मैंने मतलब कि पूरा स्लो मोशन किया है। अगर और स्लो मोशन कर देता फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी, और बैकग्राउंड में भी शोर आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरा माइक ख़राब हो रखा है और मैं चल रहा हूँ मतलब कि बिजी चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये ब्रेस्ट आपको समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो में कोई कमी है तो मुझे माफ़ कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरा सभी ग्रुपों के लिंक है, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप के है, फेसबुक के है, सबके है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो अब वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक सारी समझ में आ गई होगी, किक मूवमेंट हैंड मूवमेंट सारी समझ में आ गई। अदरवाइज मैंने इसके ऊपर ब्रेस्ट के ऊपर किकिंग की प्रैक्टिस मतलब कि किकिंग की जो है वो और बनानी है, तो टेंशन नहीं लेनी आपने। मैंने ब्रेस्ट मतलब कि जो इसकी किकिंग रहे ब्रेस्ट की किकिंग रहती है, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ब्रेस्ट की किकिंग लोग काफ़ी गलत करते हैं और कहते हैं हम किक सही कर रहे हैं, हमारे
क्या गलतियाँ वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। तो जो ब्रश की किकिंग है जो अंडर वाटर में भी यूज़ होती है, ठीक है, और काफ़ी दूरी तय कर सकते हैं हम अंडर वाटर में। मुझे कमेंट आता है कि अंडर वाटर में सांस कैसे ले, अंडर वाटर में सांस नहीं ले सकते भाई, ये बात इंपॉर्टेंट रखना। और दूसरी बात ये एक चीज़ एक और बताना चाहूँगा कि जब आप हाथ चलाओगे तो फिंगर खोलना मत, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि फिंगर खोलोगे तो आप आगे नहीं बढ़वाओगे गलती। और बस यही वीडियो थी आज की, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सपोर्ट द माय। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा चैनल स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आपको स्विमिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती है, टेक्निकल लवली मनी जिसके ऊपर आपको अनबॉक्सिंग मिलती है फ़ोन की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू वॉच द वीडियो।